I know Ratan Tata. Take for a moment what he's doing in India. Yeah. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, टाटा इंडियन मार्केट में बैक टू बैक अपनी ईवी गाड़ियों को रिवील करते जा रहा है। लोगों के सर से टाटा ईवी कार का भूत उतरा ही नहीं था कि टाटा ने एक और ईवी कार अनवील कर दिया। ये है टाटा एविनिया। इसे थर्ड जनरेशन प्लेटफॉर्म पर बनाया जा रहा है। ये ईवी सिर्फ दिखने में फ्यूचरिस्टिक नहीं, बल्कि रियल लाइफ फ्यूचरिस्टिक और सस्टेनेबल मोबिलिटी होने वाली है। इसमें फुल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग का यूज़ किया गया है। टाटा की ये पहली इलेक्ट्रिक कार होगी जिसे ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा, और ये डायरेक्ट टेस्ला को कम्पीट करने वाली है। कुछ साल पहले इलॉन मस्क को एक इंटरव्यू में टाटा के बारे में पूछा गया था, तो आइए पहले वो इंटरव्यू देख लेते हैं। You know that Tata Motors, obviously you know, in... I know Ratan Tata. Take for a moment what he's doing in India. Yeah. Developing a little sedan for $2,300, the Nano. Right. Where do you put that in the whole equation of where the future of cars are? Well, I think it's a good idea to have affordable cars. The problem with something like the Nano, which I think, by the way, I would say a problem. I think it's a great idea, and Rotten is a gentleman and a scholar and an exactly awesome guy right. All around. All of those I agree with. Yes, it's hard not to. Yeah, exactly. I think where it's going to become challenging in the future is as the price of gasoline rises. The cost of acquiring the car is a much less of an issue than the cost of operating exactly. the car. Right. And I think oil is and going it's inevitable to be very, that it's already very, moving back up and you yeah. Elon Musk एक विजनरी इंसान है। उन्होंने रतन टाटा सर की तारीफ करते हुए कहा था कि नैनो एक बेस्ट आइडिया है अफोर्डेबल कार की, पर उन्होंने पहले ही कह दिया था कि गैस की प्राइस दिन ब दिन बढ़ रही है, तो इस पर भी रतन टाटा कुछ करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द एविनिया। तो अविन्या एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इनोवेशन। एट द सेम टाइम टाटा अपने ब्रांड न्यू फ्यूचर आइडेंटिटी को लेकर एक क्लियर हिंट दिया है, जो फुल लेंथ हॉरिजॉन्टल एंड स्प्लिट टी ब्रांडिंग रियर एंड फ्रंट दोनों में देखने को मिलेगा। साथ ही टी को एल्यूमिनेटेड डबलिंग अप करके डे टाइम रनिंग लाइट के साथ लाया जाएगा, जो फ्रंट एंड रियर दोनों में देखने को मिलेगा। एविनिया में डिज़ाइन की बात करें तो इसमें SUV और MPV दोनों को मिक्स करके कुछ नया डिज़ाइन क्रिएट किया गया है, जो एक स्पेसियस कैबिन ऑफर करता है। ये कार सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर का रेंज देगी, थैंक्स टू थर्ड जनरेशन आर्किटेक्चर। एविनिया में नोवेल स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, जो ड्राइवर डिस्प्ले के साथ आएगा, और डैशबोर्ड पर माउंटेड साउंड बार स्पीकर रहेगा। साथ ही परफ्यूम डिस्पेंसर आएगा, जो सेंटर कंसोल पर देखने को मिलेगा। एंड आप लोगों को सरप्राइज बिल्कुल नहीं होगा कि टाटा अपना सेफ्टी कंसर्न इस कार में भी मेंटेन करने वाला है। प्राइसिंग की बात करें तो आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये कार ग्लोबली लॉन्च होने वाला है, और टेस्ला जैसे गाड़ियों को कम्पीट करने के बावजूद इसका प्राइस इंडिया में इंडियन कस्टमर को देखते हुए लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए टाटा जाना जाता है कम पैसे में रिलायबल चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।